ये उन दिनों की बात है। ओहो अब स्कूल के कुछ ही दिन बचे हैं। आज तुम लोगों को मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, अपनी अपनी किताबें बंद कर दो। एक मिनट मैडम जी, आज भी टेस्ट लेंगी आप? नहीं मुन्ना पंडित, आज तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई इम्तिहान नहीं होगा। आज हम आने वाले कल की बात करेंगे, यानी भविष्य की। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है मैडम जी, आपको हाथ देखना भी आता है। देखिए जरा, बताइए मेरा भविष्य कैसा है। 0/0 हमारा भविष्य ऐसा है मुन्ना, जो अपनी जगह पे जाके बैठो ना। चुप। हम लोग आज अपने अपने दोस्तों को लिखेंगे पोस्टकार्ड और उसमें उन्हें बताएंगे कि हमने जीवन में क्या क्या हासिल किया है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये पोस्टकार्ड तुम आज नहीं, आने वाले भविष्य में लिख रहे हो। शुरू करो लिखना पोस्टकार्ड अपना अपना। शांति टीचर को कहां पता था कि भविष्य में लोग एक दूसरे को ईमेल, वॉइस मेल और वीडियो कॉल्स करेंगे, पर पोस्टकार्ड वो तो कोई नहीं लिखेगा। पर सच कहूं, जितनी एक्साइटमेंट से हम लोगों ने उस दिन वो पोस्टकार्ड लिखा था, उतनी एक्साइटमेंट पहली वीडियो कॉल करने पर भी महसूस नहीं हुई थी मुझे। हो गया, मेरा मेरा भी हो गया। मैंने भी लिख लिया मैडम जी। ओके 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 ओके, अच्छा चुप। काम्या, हम तुमसे शुरू करते हैं। जी मैडम। डियर नैना, तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैं बॉम्बे आके हीरोइन बन गई हूँ। और मुझे एक नई फिल्म मिली है और उस फिल्म का हीरो है सलमान खान। सिक्योरिटी गार्ड ही बन जाऊंगा। स्वाती तुम पढ़ो। ओए होए, रॉक वाला फिंगर। मेरी प्यारी नैना, सच कहूँ तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगी। फिर मैंने एक सीरियल देखा, उड़ान, और उससे मुझे एक प्रेरणा मिली और आज मैं उड़ान की आईपीएस कल्याणी सिंह जैसी पुलिस ऑफिसर बन गई। और नैना, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मैंने अहमदाबाद आते ही दो लफंगों को पकड़ा, मुन्ना और पंडित। पंडित तुम पढ़ो। गधे जैसी शक्ल वाला मेरा प्यारा मित्र मुन्ना उर्फ छेन। अरे उसको पढ़ने तो दो मुन्ना। मैडम जी गधा बोल रहा है आपके सामने। वो तो तुम हो ही। चलो पढ़ो। आजकल मैं अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा पुलिस कमिश्नर बन गया हूँ और हमारे पुलिस स्टेशन में एक नई हवलदार आई है जिसका नाम है फ्रॉक वाला पंडित और स्वाति। फ्रॉक वाला पंडित? ये फ्रॉक वाला पंडित इस पंडित को सलाम ठोकता रहता है। अच्छा, जय माता दी, जय माता दी। मुन्ना, हमें ये तो पता है कि तुमने अपनी चिट्ठी अपने पक्के वाले दोस्त पंडित जी को ही लिखी होगी, तब उसे पढ़ के भी सुना दो। शुरुआत ऐसी होगी, मेरा पक्का वाला दोस्त असली पंडित। अरे वाह, ना उसमें पोंगा, ना बंदर, ना हाथी, ना जिराफ, सीधे पंडित। इतनी इज्जत अपने आप को। अच्छा पढ़ो। मैं जानता हूं मेरे सारे दोस्त कुछ ना कुछ बन गए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई एक्टर है, कोई पुलिस में है, कोई विदेश में है,
और मैं कुछ नहीं बन पाया। क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि बेटा क्या बनना चाहते हो। बस हुक्म ठोक दिया कि तुम्हें पापा की दुकान पे बैठना है। तो मैडम जी, आजकल दुकान संभालता हूँ, कुछ नयापन नहीं है, हर रोज एक जैसा है, बस वही घर से दुकान और दुकान से घर, यही है जी। मुन्ना, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो अपने घर वालों से इस बारे में बात करना, अपने माता पिता से सलाह मशवरा करना। क्योंकि इंसान उसी काम में कामयाब होता है जिस काम को करने में उसे खुशी मिलती है। नैना, अब तुम अपना पोस्टकार्ड पढ़ो। मेरी सबसे प्यारी, सबसे आदरणीय शांति मैम, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं लेखिका बन गई हूँ। मैम, ये सब आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके मार्गदर्शन और आपकी सिखाई हुई बातों का नतीजा है जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। सच में मैम, आप मेरी प्रेरणा थी, हैं और हमेशा रहेंगी। मैं आपको रोज एक खत लिखा करूंगी। और वैसे भी आप तो जानती हैं कि मुझे पत्र लिखना कितना पसंद है। बच्चों, कुछ दिनों बाद तुम लोग जिंदगी का एक नया सफर शुरू करोगे, कॉलेज का सफर। और उस सफर के लिए मैं तुम लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। तुम लोग जिंदगी में जो भी बनना चाहते हो, ईश्वर करे कि वही बनो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। क्लास के वो आखिरी कुछ दिन सबकी आंखें नम थी और उनमें बसे थे छोटे छोटे सपने। पर किसे पता था कि किसके सपने पूरे होंगे और किसके नहीं, क्योंकि उन दिनों आज की तरह इतने जॉब ऑप्शंस नहीं थे। लड़के डॉक्टर, इंजीनियर और लड़कियां टीचर या बैंक में नौकरी, इससे ज्यादा ना सोचते थे और ना ही कोई ऑप्शंस थे। राइटर बनने का सोचना सचमुच किसी किताब में लिखी काल्पनिक कहानी की तरह था। अब मेरी इस कहानी में स्कूल का ये चैप्टर तो खत्म होने वाला था, पर मेरा दिल्ली जाकर समीर से ना मिल पाने का चैप्टर अभी बाकी था। समझता क्या है अपने आप को? मैं उससे मिलने इतना दूर गई, दिल्ली, मिलने भी नहीं आया। अब अगर उसे मिलना है ना, तो उसे यहाँ आना पड़ेगा मुझे मिलने। ये तो समीर की बाइक है। परेश भाई, आशिकी की कैसेट है जी? है ना, दे रहा हूँ। सनम बेवफा, अब सनम बेवफा की कैसेट दे दीजिए ना। मैंने प्यार किया, हाँ हाँ मैंने प्यार किया। सनम बेवफा बीच में कहाँ से आ गया? अजूबा। ये मैंने प्यार किया, सनम बेवफा। अजूबा की कैसेट दीजिए ना। दे रहा हूँ। एक अजूबा तो यहीं खड़ा है। ये लीजिए अजूबा। अजूबा नहीं, साजन हूँ। साजन, साजन की कैसेट। ये लीजिए साजन। परेश भाई, फर्स्ट लव लेटर। पढ़ा था? हाँ, पढ़ा था। अफसाना प्यार का। ये रहा फर्स्ट लव लेटर अफसाना प्यार का। मुझे इंसाफ चाहिए। हम एक दूजे के लिए। परेश भाई, हम और एक दूजे के लिए दिखाइए ना। मुझे तो लगा था दिल्ली वालों का दिल गुलाब के फूल की तरह होता है।
पर तुम्हारा दिल तो ये रही एक दूजे के लिए पत्थर के फूल। पत्थर के फूल की कैसेट दीजिए। ये लीजिए सारी कैसेट है। तुम हो पत्थर के फूल और पत्थर के सनम। मन मेरा बावरा रे जाने क्यों उड़ चला ये तुझे ढूंढे हर जगह पे मांगे है आसरा ये मन मेरा। मन मेरा सपना देखा। सपने में जीजा जी को देखा। कैसेट की दुकान पे थी ना तू। तुझे कैसे पता। वैसे नैना लोग सपने में हिल स्टेशन जाते समंदर किनारे जाते विदेश जाते वो कैसेट की दुकान पे चली गई। नया एसटीडी लगाया है घर में लेकिन क्या फायदा। कल कॉल किया था समीर को लेकिन फोन किसी और नहीं उठाया। भूल जा समीर को। क्या कुछ भी बकवास करती है। नैना तो दिल्ली गई थी। तेरे दिल्ली जाने के बाद भी वो तुझसे नहीं मिला। मैंने कहा था ना नैना ये शादी वाला प्यार नहीं है। नैना अगर उसको तेरी थोड़ी सी भी फिक्र होती ना तो वो तुझसे मिलने जरूर आता। लेकिन वो नहीं आया। मुझे पता था ये लड़के ना ऐसे ही होते जब उनका दिल भर जाता ना तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। स्वाति तुझे पहले भी बताया था कि समीर को चिट्ठी नहीं मिली इसलिए नहीं आया। हाँ पर तुझे कैसे पता ये सच है या नहीं। कहीं उसे वहाँ कोई और मिल गई हो। मेरा समीर ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है बाबा। तेरा समीर ऐसा नहीं है तू मुंह क्यों लटका के रखा है तूने। हाँ ये सब छोड़ समीर तुझसे मिलना अहमदाबाद जरूर आएगा। सच्ची 100% सच। यही सुनना चाहती थी ना मेरे मुंह से पागल। वो शायद भविष्यवाणी का ही दिन था। पर कहते हैं ना कि एक भविष्यवाणी के कई मायने निकाले जा सकते हैं। मुझे उस वक्त कहाँ पता था कि स्वाति की बात को सच करने के लिए समीर अहमदाबाद से आने वाला था। पर उसने हम दोनों के भविष्य को बदलने की ठान ली थी। कितनी बार कहा है पापा को कि ये खटारा स्कूटर बेच के कोई सेकंड हैंड साइकिल ही ले लो। अरे निकल जा मेरे बाप। ये अर्जुन शाम के 7 बजे बाहर क्या कर रहा है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही मौका है अर्जुन के दिल की बात जानने का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेफाली तुम अपनी साइकिल धोने आई हो। नहीं योगा करने आई हूँ साथ में करें। क्या है देख मेरा साइकिल धो रही हूँ। तुम भी पता नहीं क्या पूछते रहते हो। अब कोई वक्त थोड़ी है साइकिल धोने का। वक्त मतलब तुम भी तो अपना स्कूटर धो रहे हो ना। मैंने पूछा तुमसे। अरे नहीं मैं स्कूटर साफ थोड़ी ना कर रहा हूँ वो तो ये पंचर हो गया है वो सभी निकाल के लगवाने जा रहा था। ओ अच्छा। अरे पंचर निकला क्या। हटो। ये लो। थैंक यू मैं चलता हूँ पंचर लगवा के आता हूँ। अर्जुन एक बात पूछूं। अर्जुन आप पूछो। तुम्हें जलन हुई थी ना। दरअसल वो क्या है ना शेफाली मैंने ना कल फतेहचंद की दुकान के पकौड़े खा लिए थे तो इसलिए शायद एसिडिटी बन गई और फिर उससे छाती में बहुत ही जलन होने लगी।
तब ठीक नहीं हुआ। आज रात को जलजीरे का पानी पी के सोऊंगा। अर्जुन। हाँ? मैं अपने कजन के बारे में बात कर रही थी। मुझे और उसे साथ साथ देख के तुम्हें जलन हुई थी ना? अर्जुन, सच सच बताओ ना। शिवाली पर। अरे ओ नालायक, टायर बदला कि नहीं? पापा, मैं तो बस टायर निकल गया, पंचर लगवा के लाता हूँ। मैं चलता हूँ शिफाली। अर्जुन, पापा लेट हो रहा हूँ मैं। पापा का वो पंचर लगवाना है। अर्जुन, दोस्तों, अगर इस दुनिया में कोई सबसे खूबसूरत रिश्ता है, एक मीठा एहसास, तो वो सिर्फ प्यार का है। क्योंकि प्यार एक ऐसी डोर है जो ना सिर्फ दो दिलों को बल्कि दो जिंदगियों को भी बांध के रखती है। दोस्तों, अगर इस जिंदगी में कोई सबसे खूबसूरत रिश्ता है, एक सबसे मीठा एहसास, तो वो है प्यार का। जिस जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। समीर, कम ऑन। अरे यार, मैं तुझे दिखाता हूँ, देख 6 नंबर कैसे लाते हैं। ये देख। अरे कम ऑन, ट्राई कर एकदम जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? मेरा टर्न है। वाह वाह, क्या आएगा? 1। जीत गए। मम्मी मैं चल दूँ? ये हम जीत गए, ये अब लोग हार गए। अरे रोहन, याद आया, जरा रेडियो ऑन करना, समीर का प्रोग्राम आने वाला है। आजकल दिखता ही नहीं है, रेडियो पर तो आवाज सुन लूं। अरे रुक जा रोहन, विशाखा बेटा, इतना मजा आ रहा है तुम्हारे गेम देखने में। ये खामखा रेडियो। वाह, सुनने दो ना रोहन, लेके बाहों में थी जो बीती बातों की रातें याद हैं, तेरी पलकों तले जो गुजरी ख्वाबों की रातें याद हैं, हाथों में हाथ धर के सांसों में सांस भर के। नैना, भाइयों और बहनों, हमारी नैना है बहुत उदास क्योंकि जीजा जी नहीं है उसके पास। मजाक मत कर प्रीति। मेरी प्यारी बहना, क्या हुआ जो समीर से नहीं हो पाई फोन पे बात? उससे कर लेना तू रेडियो पे मुलाकात। चल, जीजा जी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, चल। स्टार्ट। दोस्तों, अगर इस जिंदगी में कोई सबसे खूबसूरत रिश्ता है, कोई मीठा एहसास, तो वो सिर्फ प्यार का है। क्योंकि प्यार ही एक ऐसी डोर है जो ना सिर्फ दो दिलों को बल्कि दो जिंदगियों को बांध के रखती है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ अपना है, फिर अगले ही पल दिखता है कि सब सपना है। कभी कभी लगता है कि मैं सब कुछ जीत रहा हूं, और फिर लगता है कि मैं वक्त की तरह बीत रहा हूं।
नींद में हूं, फिर भी थोड़ा थोड़ा जाग रहा हूं। हाँ यही सच है कि मैं खुद से ही भाग रहा हूं। दोस्तों आज के लिए बस बस इतना ही, और मुझसे बोला नहीं जाएगा। क्या हुआ? आजकल की दुनिया में हमारे आसपास इतना शोर है, इतना शोर है, सिर्फ आवाज का शोर नहीं, दिमाग का शोर, जिस शोर में हम अक्सर किसी की कही हुई बात की गहराई को सुनकर भी समझ नहीं पाते या किसी के चेहरे के इमोशंस देखकर भी पढ़ नहीं पाते। पर उन दिनों लोगों की जिंदगी में सादगी थी और इसीलिए गहराई भी। बिना देखे ही नैना ने और माँ ने मेरी आवाज के हल्के से बदलाव को भी समझ लिया था। ये उन दिनों की बात है। नैना, लगता है जीजाजी को तेरी बहुत याद आ रही है, तभी तो वो ऐसे उदास होके। नहीं प्रीति, आज समीर की आवाज में जरूर कुछ और बात है। प्रीति, पक्का समीर के साथ कुछ तो गलत हुआ है, तभी तो इतने दिनों से पौधे में गुलाब भी नहीं आ रहा। तू भी ना, कल अगर दूध पे मलाई नहीं आएगी या दही नहीं जमेगी तब भी यही कहेगी कि समीर के साथ कुछ। तुझे मजाक लग रहा है प्रीति। रुक, मेरे कबर्ड में से लेटर्स ला, ड्रॉअर में जा ना। ये देख। हाँ जीजा जी के लव लेटर्स मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? ध्यान से देख इसे। ये बस नाम के लिए चिट्ठी है, दो लाइन चार लाइन। पहले समीर की एक एक चिट्ठी दो दो तीन तीन पेज की होती थी, और अब डियर नैना कैसी हो? मैं ठीक हूँ समीर। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है प्रीति। तो हर कोई तेरी तरह एक्स्ट्रा शीट थोड़ी लेता है, हो सकता है कि वो बिजी हो या फिर कोई जरूरी काम आ गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लिए समीर और समीर के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ और हो ही नहीं सकता प्रीति। मैं फोन करती हूँ तो हमारी बात नहीं हो पाती, समीर खुद से फोन करता नहीं है, और उसके लेटर्स भी ऐसे हैं। जरूर कुछ ना कुछ बात है। तू टेंशन मत ले, आने दे उनको अहमदाबाद, कान पकड़ के सारे सवालों का जवाब मांगूंगी। हमारे बीच शहरों का फासला है, समझ आता है, मेरे दिलों में दूरियां। तेरी बाहों में थी जो बीती बातों की रातें याद है, तेरी पलकों तले जो गुजरी ख्वाबों की रातें याद है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.